Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So RC का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस. फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में. अब मैकेनिक्स क्या होता है, ये तो बेसिक टर्म है. स्टडी ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, आइदर द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. स्टैटिक्स मीन स्टडी ऑफ बॉडी इन रेस्ट under the actions of external forces, and dynamics means study of body in motion under the actions of external forces. Similarly, फिर dynamics जो है further classified है two categories में, kinematics और kinetics. Kinematics में हम forces को consider नहीं करते हैं which causes the motion, but in kinetics we consider the forces which causes the motion in the body. Next हम यहाँ पर discuss करते हैं concept of rigid body. Rigid body हम किसको कहते हैं? देखो, in general sense अगर हम देखेंगे कोई भी body perfectly rigid नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत deformations आ ही जाती है. बट इन सम केसेस जब डिफॉर्मेशन जो है बहुत कम होगी उसको हम निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, तो डैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी. नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल स्पीड, डेंसिटी, डिस्टेंस एटसेट्रा. एंड इन वैक्टर क्वांटिटीज दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, विलॉसिटी है, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा. देन कम्स लॉज ऑफ फोर्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फोर्स. फोर्स हम किसको कहते हैं? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. सिंपली एफ इज इक्वल टू एम ए. एम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास. एंड ए रिप्रेजेंट्स हियर एक्सेलरेशन. इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. इट मे चेंज स्टेट, शेप और साइज ऑफ द बॉडी. जब भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करेगी ये उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है. स्टेट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में कर सकती है, अगर बॉडी मोशन में तो उसको रेस्ट में कर सकती है. उसकी शेप को चेंज कर सकती है, उसके साइज को चेंज कर सकती है. देन कम्स यूनिट्स ऑफ फोर्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं. फोर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली दो यूनिट्स आ जाते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स. एब्सोल्यूट यूनिट्स में हमारे पास तीन यूनिट आ जाते हैं, एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है और एमकेएस सिस्टम. एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट पाउंड और सेकंड, सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, एंड एमकेएस स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम और सेकंड. इन केस ऑफ एफपीएस, इस केस में हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं? पाउंडल में मेजर करते हैं. सीजीएस में हम फोर्स को डाइन में मेजर करते हैं. एंड इन एमकेएस सिस्टम फोर्स को हम यहाँ पे न्यूटन में मेजर करते हैं. वन न्यूटन किसके बराबर होता है? 10^5 डाइन्स के बराबर. देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल यूनिट्स. दीज आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. ग्रेविटेशनल यूनिट्स को जनरली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. दे जनरली डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द बॉडी. अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो है वेट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब एफपीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? इट्स पाउंड वेट. वन पाउंड वेट किसके बराबर होता है? 32.2 पाउंड्स के बराबर होता है. नेक्स्ट कम सीजीएस सिस्टम. इन दिस केस फोर्स इज मेजर्ड इन ग्राम वेट. वन ग्राम वेट किसके बराबर होता है? जी डाइन्स के बराबर होता है. इट इज इक्वल टू सिंपली 981 डाइन्स के बराबर. एंड थर्ड इज एमकेएस सिस्टम. इन दिस सिस्टम फोर्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम वेट. वन किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है? 9.81 न्यूटन. ये तो बेसिक है, आप सबको पता ही है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स. फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड्स आ जाते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बॉज नोटेशन. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम सिंपली एक एरो ड्रॉ करते हैं और फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा. जैसे मैंने यहाँ पे अभी ए लिखा हुआ है, ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. इट मे बी 1, 2, 3 समथिंग, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. देन कम्स बॉज नोटेशन. बॉज नोटेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ए और बी लिखा हुआ है और बीच में हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं. दिस आर द टू मेथड्स विच वी यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स. देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स. दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये बेसिक टॉपिक है बट बेसिक में से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. बेसिक पे आप ज़्यादा फोकस दो, आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप बड़ी चीज़ को आराम से सॉल्व करोगे. अगर आपका बेसिक ही वीक है तो आप बड़ी चीज़ को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना. फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स. जब हम बॉडी पे लोड अप्लाई करेंगे, अब लोड जो है एक्सटर्नली बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, वो एग्जांपल है एक्सटर्नल फोर्स की. इंटरनल फोर्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे स्ट्रेस. स्ट्रेस के एक इंटरनल फोर्स है जो बॉडी में जनरेट होती है जब उस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई होता है, तो डैट इज नोन एज इंटरनल फोर्स. देन कम्स एक्टिव फोर्स. एक्टिव फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच कॉजेज द मोशन इन द बॉडी और चेंज इट्स शेप इज नोन एज एक्टिव फोर्स. एंड पैसिव फोर्स क्या है? इट इज द अपोजिट ऑफ एक्टिव फोर्स. अब एक्टिव फोर्स जो है बॉडी में मोशन काज कर रही है और पैसिव फोर्स जो है मोशन को प्रिवेंट कर रही है. एक्शन क्या होता है? रिपल्शन क्या होता है? ये भी बेसिक है, इनके नाम से ही पता चल जाता है. आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. देन कम्स कंसंट्रेटेड फोर्स. कंसंट्रेटेड फोर्स मीन्स जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करेगी. मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी पॉइंट लोड की. डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की एग्जांपल आप ले लो यूडीएल लोड, जो किसी एंटायर बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटली एक्ट करेगा. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम किसको कहते हैं? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी
इट्स फैक्ट इज सेम वट एवर पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज टेकन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करते हैं उस फोर्स की वजह से एक लाइन ऑफ एक्शन उसमें क्रिएट हो जाती है। एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम लेट इट बी मैंने पॉइंट टू पे फोर्स एक्ट की ये एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट करेंगे बॉडी में। तो अगर हम इस लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे फोर्स का इफेक्ट देखेंगे तो वो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है सेम होता है। तो डैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देन कम्स लॉज ऑफ फोर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। अब फोर्सेज का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना डैट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फोर्स। अब लॉज ऑफ फोर्सेज में हमारे पास जनरली तीन लॉज आ जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स है या पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स है। फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में अगर हमने रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना होगा इट इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। पी और क्यू यहाँ पे दो फोर्सेज हैं जो एक थीटा एंगल पे एक्ट कर रही हैं। टेन अल्फा अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा इट इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अब टेन अल्फा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कि रिजल्टेंट जो है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कंसिडर की जाती है। इट मीन्स डैट कि जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वही हम रिजल्टेंट फोर्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये तीनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थीटा जीरो के बराबर होगा उस केस में जो आर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा पी प्लस क्यू आएगा। ओबीसी बात है क्योंकि कॉस थीटा जीरो हो जाता है तो ये उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है उस केस में जो आर की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा उस केस में जो आर की वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू क्योंकि कास 180 किसके बराबर होता है माइनस 1 के बराबर होता है। देन कम्स ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज। इन दिस केस रिजल्टेंट इज टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर डेट इज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कभी सिंपल इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज में जो रिजल्टेंट है वो हम किसके अलॉन्ग कंसिडर करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज में हम जो रिजल्टेंट है वो अलॉन्ग डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज में हम क्या करते हैं कि रिजल्टेंट को हम अपोजिट ऑर्डर में कंसिडर करते हैं जो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की। इसका फॉर्मूला क्या है पी अपान साइन थीटा माइनस अल्फा क्या अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपान साइन थीटा। देन कम्स पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज। इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स इज कंसिडर्ड एज क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज में रिजल्टेंट हम किसको कंसिडर करते हैं जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की बट इट्स टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स आर एनालिटिकल मेथड। प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स या एनालिटिकल मेथड से हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं फिर उससे हम क्या करते हैं कि रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इट इज इक्वल टू पी वन कॉस थीटा वन प्लस पी टू कॉस थीटा टू प्लस डैश 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 पी एन कॉस थीटा एन। पी वन पी टू पी एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फोर्सेज जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है थीटा वन थीटा टू ये डिफरेंट एंगल्स हैं। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट को हम समेशन ऑफ वी रिप्रेजेंट करते हैं इट इज इक्वल टू इसमें हम क्या करते हैं कॉस थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। रिजल्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इस केस में इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से थीटा को फाइंड आउट करना होगा इट मींस डैट कि डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट की वो फाइंड आउट करनी होगी इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स समेशन ऑफ वी अपॉन समेशन ऑफ एच। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन किस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं अपवर्ड फोर्स के लिए हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं डाउनवर्ड फोर्स के लिए हम नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट अगर फोर्स जा रही होगी उसके लिए हम नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं एंड टुवर्ड्स राइट हम क्या कंसिडर करते हैं पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लॉज ऑफ फोर्सेज करवाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज है इन पे न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि सिंपल आपको न्यूमेरिकल रिजल्टेंट पे आ सकता है कि दो फोर्सेज आपको दी होंगी तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करो अलग अलग मेथड से वो किसी भी मेथड से आपको पूछ सकते हैं तो इन पे न्यूमेरिकल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इनके न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व करना। तो ये छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एक ही फॉर्मूला से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है इन पे न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में। देन कम्स लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी न्यूमेरिकल के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इसमें भी एक ही फॉर्मूला लगता है इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज लेमिस थ्योरम। इट स्टेट्स डैट इफ थ्री कोप्लैनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इन अ बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ पे एक पॉइंट है इस पॉइंट पे तीन फोर्सेज एक्ट कर रही है अगर ये तीनों फोर्सेज इस पॉइंट को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख रही है तो उस केस में जो हर फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इट मीन्स डैट पी अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इट इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इन केस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स इट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा एंड वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वाई इट इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है सिंपल एक फॉर्मूला है इसमें भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं सिंपली आपको एक फोर्स दी होगी और पूछा होगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो
एक थीटा की वैल्यू आपको दी होगी. सो बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मुलाज यू कैन फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. देन कम्स अगर आपके पास नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे. फर्स्ट इसमें जैसे हमारे पास पी वन, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा. एंड पी टू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा. दीज टू फॉर्मुलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मोमेंट. मोमेंट क्या होता है, द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट. मोमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर आर केजीएफ मीटर. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी. नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. इट सिंपली मीन्स डैट की जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी. नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉडीज. इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास जनरली दो कंडीशंस आ जाती हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एंड कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के केस में बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होती है, जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो के बराबर होगा. एंड इन केस ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एंड सम ऑफ मोमेंट इज जीरो. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वैरिगंस थ्योरम. इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट. वैरिगंस थ्योरम क्या कहती है, जो एल्जेब्रिक सम होता है मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस का अबाउट एनी पॉइंट, वो किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट. आप सबको पता है कि अभी हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल से मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे सकता हूँ. बाकी अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई है. प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हो, डिटेल से आपको वहाँ पे हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कपल. कपल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, देन इट इज़ नोन एज कपल. कपल सिंपली मीन्स जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज किसी बॉडी पे एक्ट करती है और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं होती, देन द फोर्स सिस्टम इज नोन एज कपल. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज इज नोन एज आर्म ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ कपल को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं. इट इज इक्वल टू आर्म ऑफ कपल इनटू फोर्स. अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस फॉर्मिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज कांस्टेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अल्जेब्रिक सम होता है मोमेंट ऑफ फोर्सेस का विच फॉर्म्स द कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज कांस्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज एनी टू कपल ऑफ इक्वल मोमेंट्स एंड सेंस इन द सेम प्लेन आर इक्विवेलेंट इन देयर इफेक्ट. दो कपल अगर उनकी मोमेंट सेम है और सेंस सेम है, सेंस मीन्स डायरेक्शन सेम है, और सेम प्लेन पे एक्ट कर रही है, उस केस में जो उनका इफेक्ट होगा वो इक्विवेलेंट होगा. इक्विवेलेंट मीन्स बराबर होगा. टू कपल्स एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी हुज मोमेंट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन सेंस बैलेंस ईच अदर. जब दो कपल्स जो है एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं जिनकी मोमेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी बट अपोजिट होंगी डायरेक्शंस में, वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं. नेक्स्ट इज एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कपल हुज मोमेंट इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कपल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स. मोमेंट्स की इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. फर्स्ट इसमें है लीवर्स. इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती है, सिंपल लीवर है, बेंट है, क्रैंक्ड लीवर है एंड कंपाउंड लीवर है. सेकंड इज बैलेंस एंड थर्ड इज कॉमन स्टील यार्ड एंड फोर्थ इज लीवर सेफ्टी वेल्व. फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लीवर. इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय आर्चमेटिक्स. कॉमन एग्जांपल इसकी है सीजर्स, फायर टोंग्स, क्रोबार एटसेट्रा. इट टर्न्स अबाउट फिक्स पॉइंट दैट इज नोन एज फुलक्रम. अब लीवर जो है एक फिक्स पॉइंट की तरफ टर्न होता है जिसको हम फुलक्रम कहते हैं. इसमें एक पावर आर्म होती है और एक वेट आर्म होती है. पावर आर्म हम किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एंड वेट आर्म हम किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम एंड द पॉइंट वेयर लोड एक्ट्स. पावर आर्म क्या होती है, वेट आर्म क्या होती है, इस चीज़ को भी मैंने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है. लेक्चर का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो. इट हैज़ थ्री टाइप्स. सिंपल लीवर है, कर्व्ड बेंटर क्रैंक्ड लीवर, थर्ड इज कंपाउंड लीवर. सिंपल लीवर में क्या होता है, इट हैज़ ओनली वन फुलक्रम, वन पावर आर्म एंड वन वेट आर्म. सेकेंड इज कर्व्ड बेंट आर क्रैंक्ड लीवर्स. इट हैज़ टू लीवर आर्म्स, दे मे बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 0 to 180 degree. इस केस में क्या होती है कि दो लीवर आर्म्स होती है और उनके बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 to 180 degree के बीच में हो सकता है. थर्ड इज कंपाउंड लीवर. इट इज मेड अप ऑफ सिवरल लीवर्स टू गेट एन इंक्रीज लीवरेज टू ओवरकम द ग्रेटर रेजिस्टेंस दैन डैट विच कैन बी हैंडल्ड बाई द फोर्स इन अ सिंगल लीवर. इसमें जनरली नंबर ऑफ सिवरल लीवर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि लीवरेज वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं और उससे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है उसमें. इसकी फर्दर टाइप से कुछ आगे बीम बैलेंस एंड कॉमन स्टील यार्ड, बोथ आर यूज्ड फॉर वेटिंग पर्पसेस. दोनों को हम वेटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. देन कम्स लीवर सेफ्टी वेल्व. इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू कीप स्टीम प्रेशर विद इन अ सेफ लिमिट. स्टीम प्रेशर को विद इन अ सेफ लिमिट रखने के लिए हम लीवर सेफ्टी वेल्व का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. वैन कोप्लेनर फोर्स मीट इन अ पॉइंट देन द सिस्टम इज नोन एज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स.
इंपॉर्टेंट है ये भी, जब को प्लानर फोर्स जो कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं या एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्सेज आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्वियस ये बात है, जब दो पैरेलल फोर्सेज जो है सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे उनको हम लाइक फोर्सेज कहेंगे, और पैरेलल फोर्सेज को हम अनलाइक फोर्सेज कब कहेंगे, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। पॉइंट थर्ड इज फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेज। ये भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक पॉइंट है। ए बॉडी हुज डायमेंशन आर पार्शली निग्लिजिबल डैट इज नोन एज पार्टिकल। तो पार्टिकल हम किसको कहते हैं, जिसकी डायमेंशन जो होंगी पार्शली निग्लिजिबल होंगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड फॉर वेरी हाई प्रेशर सफिशेंट टू प्रोड्यूस एक्सेसिव डिफॉर्मेशन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन समवट इंक्रीजेस। एक्सट्रीमली लो प्रेशर और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्रिक्शंस को। फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं, जो भी अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे, जब बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है ओवर द सर्फेस ऑफ एनदर बॉडी, देन इट इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन। इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फ्रिक्शन जो है वो डिजायरेबल भी है और अनडिजायरेबल भी है। अब डिजायरेबल किस केस में है और अनडिजायरेबल किस केस में है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अप्लायंसेस वेयर फ्रिक्शन इज डिजायरेबल, जैसे बेल्ट्स एंड रोप्स के केस में फ्रिक्शन डिजायरेबल है, फ्रिक्शन क्लचेस के केस में ये डिजायरेबल है, जिप एंड क्वार्टर जॉइंट के केस में फ्रिक्शन डिजायरेबल है, ब्रेक्स के केस में इट इज डिजायरेबल, नट्स एंड बोल्ट्स के केस में भी फ्रिक्शन डिजायरेबल है। अब डिजायरेबल किस केस में नहीं है, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के केस में फ्रिक्शन जो है टोटली अनडिजायरेबल है, क्योंकि वहाँ पे हमें लुब्रिकेशन कंटिन्यूस करनी पड़ती है फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, फ्रिक्शन इन अनलुब्रिकेटेड सर्फेस एंड फ्रिक्शन इन लुब्रिकेटेड सर्फेस। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन इन अनलुब्रिकेटेड सर्फेस। इन दिस केस फ्रिक्शन बिटवीन टू अनलुब्रिकेटेड सर्फेस इज कॉल्ड सॉलिड आर ड्राई फ्रिक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ड्राई फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रूलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट एग्जिस्ट्स व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अदर, एंड द रूलिंग फ्रिक्शन इज, इसके नाम से ही पता चल जाता है, इट एग्जिस्ट्स व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, व्हेन सर्फेसेस आर सेपरेटेड बाय बॉल्स और रूलर्स, इट इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज फ्रिक्शन इन लुब्रिकेटेड सर्फेस, इट हैज टू टाइप्स, बाउंड्री फ्रिक्शन एंड विस्कस फ्रिक्शन। बाउंड्री फ्रिक्शन क्या होती है, इट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू रबिंग सर्फेसेस, जब हम दो सर्फेसेस को आपस में रब करते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है डैट इज नोन एज बाउंड्री फ्रिक्शन। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीसी आर नॉन विस्कस फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देन कम्स विस्कस फ्रिक्शन। विस्कस फ्रिक्शन को हम सिंपली विस्कोसिटी कहते हैं। अब विस्कोसिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, लिक्विड के केस में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट डैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होगी उस केस में जो उस पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी डैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। सेकंड टाइप इज डायनेमिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होती है, जब बॉडी मोशन में होगी उस केस में जो फ्रिक्शन उस पर एक्ट करेगी डैट इज नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन जो है हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। इट इज अबाउट 40-75% ऑफ द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट व्हेन वन बॉडी जस्ट बिकम्स टू मूव आवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज नोटेड बाई फाई। टेन फाई किसे बराबर होता है, एफ अपॉन एन। तो देयर फोर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन एन। दिस फाई इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू इज इक्वल टू टेन फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, सिंपली एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। यहां से हम किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो वैल्यूज दी होंगी। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड सरफेस। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इट इज इक्वल टू एफ अपॉन एन इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन एन। एंगल फाई इज इक्वल टू अल्फा when the body is in the condition of limiting equilibrium on an inclined plane। अब angle phi जो है alpha के बराबर कब हो सकता है, जब body की जो condition होगी limiting equilibrium condition होगी on the inclined plane। cone of friction क्या होता है, ये भी हमने lecture में detail से discuss किया हुआ है। the cone generated when a line makes maximum angle phi with normal is called cone of friction। जब एक line जो है maximum angle बनाएगी normal के साथ that is known as cone of friction। this principle is used in self-locking mechanism and taper pins। important point है ये भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगी उस केस में फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, म्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर एक बॉडी जो है रेस्ट में है अभी।
इस केस में अगर हमने एफ को फाइंड आउट करना है, एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, इट इज इक्वल टू पी इंटू कॉस थीटा। अब एफ हमारे पास किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन, या भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, इट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। एन अगर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, इट इज अपोजिट अ वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये किसके बराबर आता है यहाँ पे हमारे पास, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। पी साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का। अगर हमने यहाँ से पी को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोशन अप एन इंक्लाइंड प्लेन। अब एक बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन पे है और बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है, उस केस में हम एफ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। एफ की जगह हम यहाँ पे म्यू इंटू एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, इट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे एन को फाइंड आउट करना होगा, नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा तो है ही जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट इसमें से पी साइन थीटा भी माइनस होगा एंड पी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव अपन कॉस थीटा माइनस फाइव। थर्ड इसमें है मोशन डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। जब बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पे होगी बट उसका जो मोशन होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, तो उस केस में फॉर्मूलाज क्या बनेंगे, जो हमने ऊपर केस डिस्कस किया इसके अपोजिट हो जाएंगे सारे फॉर्मूलाज, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फॉर एक्सट्रीमली लो रिलेटिव वेलोसिटीज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस एंड अपेरेंटली बिकम्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्सट्रीमली लो वेलोसिटीज के केस में जो कोएफिशिएंट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो इंक्रीज होता जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। फॉर वेरी हाई वेलोसिटीज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिक्रीजेस एप्रिशिएबली। ऑर्डिनरी चेंजेस इन टेम्परेचर डोंट मटेरियली अफेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेम्परेचर की ऑर्डिनरी चेंजेस की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई भी चेंजेस नहीं आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इट इज नोटेड बाई सिंपली सी इंटू जी आर सिंपली कैपिटल जी। इट जनरली डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द बॉडी एंड इट मे आर मे नॉट लाई विद इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जनरली शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। अलग अलग शेप ऑफ बॉडीज के लिए अलग वैल्यू होती है और अलग पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है विद इन द बॉडी भी लाई करता है और कभी आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी लाई करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेंट्रॉइड। द सेंट्रॉइड आर सेंटर ऑफ एरिया इज द पॉइंट वेयर होल एरिया ऑफ द फिगर इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। सेंट्रॉइड को हम सेंटर ऑफ एरिया भी कहते हैं। सेंट्रॉइड मीन्स जहाँ पे होल एरिया ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड। बोथ सेंट्रॉइड एंड सी जी लाइज एट द सेम पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड जो है एक ही टर्म है। अब यहाँ पे अगर हमने सेंट्रॉइड निकालना होगा कंपोजिट फिगर्स का इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमें जनरली दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है, एक्स बार एंड वाई बार। फिर उसके बाद हम सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस डैश 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 ए एन एक्स एन डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस डैश डैश ए एन। सो इन शॉर्ट एक्स बार को हम सिंपली लिख सकते हैं समीशन ऑफ ए एक्स अपॉन समीशन ऑफ ए। सिमिलरली वाई बार के केस में हम यहाँ पे वाई वन कंसिडर करेंगे, वाई वन वाई टू वाई थ्री, सिंपली वाई बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए वाई अपॉन समीशन ऑफ ए। अगर हमने यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालना होगा कंपोजिट फिगर्स का इन टर्म्स ऑफ वेट, अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, एरिया को वेट से रिप्लेस कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सी जी ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, इट इज इक्वल टू एच बाई फोर फ्रॉम बेस। हॉलो कॉन के लिए अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू एच बाई थ्री फ्रॉम बेस। सी जी ऑफ हेमिस्फीयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हेमिस्फीयर सॉलिड होगा उस केस में इसका फॉर्मूला है थ्री आर अपॉन एट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ था कि सी जी ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है। हॉलो हेमिस्फीयर के केस में हम सी जी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर बाई टू। और सी जी ऑफ सेमी सर्कुलर लेमिना हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू फोर आर अपॉन थ्री पाई। एंड सी जी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू टू आर अपॉन फाइव। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टॉर्शन। टॉर्शन क्या होता है, टॉर्शन सिंपली मीन्स टॉर्क। अब टॉर्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अप्लाइड फोर्स इनटू रेडियस ऑफ शॉफ्ट। अब नाउ शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ शॉफ्ट ड्यू टू टॉर्शन, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, टाउ अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब टाउ हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंड्यूस्ड शेयरिंग स्ट्रेस, आर हो गया रेडियस ऑफ शॉफ्ट, सी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड अपॉन शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। एल हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ शॉफ्ट, स्मॉल क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट रेडियस आर, एंड थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉलिड सर्कुलर शॉफ्ट के लिए हम मैक्सिमम टॉर्क को कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 टाउ डी का क्यूब। सिमिलरली हॉलो सर्कुलर शॉफ्ट के केस में हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं,
इट इज़ इक्वल टू पाई अपन 16 टाउ डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपन डी नॉट। अब डी नॉट और डी आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर। नेक्स्ट अगर हमने पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट फाइंड आउट करना होगा तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें भी न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पावर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 पाई एन टी अपॉन 60। एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर पी एम ऑफ शाफ्ट रोटेशन पर मिनट। टी टॉर्क पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और पावर को हम सिंपली ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, 2 पाई एन अपॉन 60। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्शन इन टर्म्स ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी अपॉन जे इट इज इक्वल टू टॉ अपॉन कैपिटल आर इट इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे इट इज इक्वल टू पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। हॉलो के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 32 आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इनर डायमीटर की पावर 4। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पोलर मॉडुलस। पोलर मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड टॉर्शनल सेक्शन मॉडुलस, इट इज नोटेड बाय जेड पी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो जो रेशो होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ शाफ्ट का, डेट इज नोन एज पोलर मॉडुलस। फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 16 डी का क्यूब। यहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है ये कैसे आया हुआ है। और हॉलो शाफ्ट के लिए इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 16 डी नॉट आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इनर डायमीटर की पावर 4। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट एंड व्हाट इज टॉर्शनल रिजिडिटी। स्ट्रेंथ मीन्स द मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर द शाफ्ट कैन ट्रांसमिट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम पावर जो है शाफ्ट कितनी ट्रांसमिट कर सकता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। और टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज आल्सो नोन एज स्टिफनेस। अब टॉर्शनल रिजिडिटी किसके बराबर होती है, सी इंटू जे। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट। सो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ शाफ्ट में ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, डेट इज नोन एज टॉर्शनल रिजिडिटी। टी अपॉन जे इट इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। सी इंटू जे इंटू थीटा इट विल बी इक्वल टू टी इंटू एल। यहाँ से अगर हमने सी इंटू जे को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू टी इंटू एल अपॉन थीटा। सो देयरफॉर टॉर्शनल रिजिडिटी विल बी इक्वल टू टी इंटू एल अपॉन थीटा। टी हो गया आपके पास टॉर्क, एल लेंथ और थीटा एंगल। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्लैंज्ड कपलिंग। फ्लैंज्ड कपलिंग क्या होता है, फ्लैंज्ड कपलिंग को हम यूज़ करते हैं दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसका रिलेशन क्या है, एन इंटू स्मॉल एन इंटू स्मॉल क्या हो इंटू पाई डी का स्क्वायर इंटू कैपिटल डी अपॉन 8 इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 टाउ डी का क्यूब। कैपिटल डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। स्मॉल डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। डी स्टार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ बोल्ट पिच सर्कल, एंड एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बोल्ट्स को। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इट इज इक्वल टू एम अपॉन आई इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। सिग्मा इज इक्वल टू एम इन टू वाई अपॉन आई, ओबीसी बात है वाई किसके बराबर होता है, डी अपॉन टू। अगर हमने सिग्मा मैक्स फाइंड आउट करना होगा ऑन द सर्फेस ऑफ शाफ्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा बी इट इज इक्वल टू 32 एम अपॉन पाई डी का क्यूब। एंड टाउ मैक्स ऑन द शाफ्ट सर्फेस इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टाउ इट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट कर देना, इट्स 16 टी अपॉन पाई डी का क्यूब। नाउ फॉर सॉलिड शाफ्ट, अगर हमने सॉलिड शाफ्ट के केस में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी का क्यूब एम प्लस रूट ऑफ एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ बीच का जो मैन प्लस है इसको यहाँ पे माइनस कर देना आपने। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इसको सॉल्व करके आपके पास फॉर्मूला आएगा 16 अपॉन डी का क्यूब रूट ऑफ एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। सो अगर हमने यहाँ पे टेन थीटा को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू टी बाई एम। अब टेन थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजिशन ऑफ प्लेन ऑन विच दे एक्ट, डेट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड टॉर्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ शाफ्ट ड्यू टू टॉर्शन। फॉर सॉलिड शाफ्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल यू इट इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर अपॉन 4 सी इंटू वी, वेयर वी इज वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि सिलेंड्रिकल होता है शाफ्ट तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। हॉलो शाफ्ट के केस में इसका फॉर्मूला क्या है, टाउ का स्क्वायर अपॉन 4 सी डी स्क्वायर कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर इंटू वी। पॉइंट नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे है टॉर्शन ऑफ टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट के केस में हम टॉर्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा इट इज इक्वल टू 32 टी अपॉन पाई इंटू सी इंटू 1 अपॉन 3 इंटू के 1 अपॉन डी 1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन डी 2 का क्यूब।
डी वन और डी टू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लार्जर एंड का डायमीटर होगा और स्मॉलर एंड का डायमीटर होगा, और के को निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी टू माइनस डी वन अपॉन एल। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स क्या है, इलास्टिक बॉडीज विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी ड्यू टू रेजिलेंस एंड इट कैन बी रिलीज वैन रिक्वायर्ड। सो जो भी इलास्टिक बॉडीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है ड्यू टू रेजिलेंस, दैट इज नोन एज स्प्रिंग्स। अ स्प्रिंग विच कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द बेस्ट स्प्रिंग। ऑब्वियसली बात है, इट हैज़ जनरली टू टाइप्स, लेमिनेटेड आर लीफ स्प्रिंग्स, सेकंड इज हेलिकल स्प्रिंग्स। लेमिनेटेड आर लीफ स्प्रिंग्स क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब शॉक्स इन रेलवे वैगन्स, कोचेज, रोड व्हीकल्स एटसेट्रा। अगर हमने इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइड बिन द प्लेट फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा, इट इज इक्वल टू 3WL अपॉन 2 इंटू स्मॉल एन BT का स्क्वेयर। अब W यहाँ पे क्या है, पॉइंट लोड एक्टिंग एट सेंटर ऑफ स्प्रिंग, L हो गया स्पैन ऑफ स्प्रिंग, T इज थिकनेस ऑफ ईच प्लेट्स एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ प्लेट्स। सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी, इट विल बी इक्वल टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डेल्टा, इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल स्क्वेयर अपॉन 4e स्मॉल t। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हेलिकल स्प्रिंग्स। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, क्लोज्ड क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स एंड ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स। अगर हमने यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा इन केस ऑफ वायर, इट इज इक्वल टू 16W इनटू कैपिटल R अपॉन पाई डी का क्यूब। अगर हमने स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को फाइंड आउट करना होगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल S, इट इज इक्वल टू CD की पावर 4 अपॉन 64 R की पावर N। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, स्क्रीव फ्रिक्शन क्या होती है और स्क्रीव जैक विद स्क्वायर थ्रेड्स क्या होता है। सो द फ्रिक्शन एक्सपीरियंसड बाई स्क्रीव थ्रेड्स, बोल्ट्स, नट्स एटसेट्रा इज नोन एज स्क्रीव फ्रिक्शन। स्क्रीव थ्रेड्स में भी वी शेप्ड, स्क्वायर शेप्ड। स्क्वायर थ्रेड्स आर जनरली यूज्ड इन स्क्रीव जैक। स्क्वायर थ्रेड्स को हम जनरली स्क्रीव जैक में यूज़ करते हैं, लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अगर हमने यहाँ पे टेन अल्फा को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू पी अपॉन पाई इंटू डी इंटू स्मॉल एम। स्क्रीव जैक विद स्क्वायर थ्रेड्स, एफिशिएंसी हम इस केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस फाइव। मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंपल मशीन्स के बारे में। एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड मशीन। इट हैज़ जनरली टू टाइप्स, सिंपल मशीन्स एंड कंपाउंड मशीन्स। अब सिंपल मशीन में क्या होता है, इट हैज़ ओनली वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। सिंपल मशीन के केस में एक ही पॉइंट होता है एफर्ट को अप्लाई करने के लिए और एक ही पॉइंट होता है लोड को अप्लाई करने के लिए। इट्स मैकेनिज्म इज सिंपल और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो भी सिंपल होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसकी लीवर है, स्क्रीव जैक है, सीविंग मशीन एटसेट्रा। कंपाउंड मशीन में क्या होता है, इट हैज़ मोर देन वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड लोड। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग मशीन, मिलिंग मशीन एटसेट्रा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो, आउटपुट, इनपुट, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, आइडियल मशीन एटसेट्रा। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन में से न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मैकेनिकल एडवांटेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट, इनपुट, एफिशिएंसी ऑफ मशीन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनमें से न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, इनको आप अच्छे से देखना। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एम ए, इट इज इक्वल टू वेट लिफ्टेड डिवाइडेड बाई एफर्ट रिक्वायर्ड। वेट लिफ्टेड और एफर्ट रिक्वायर्ड का जो रेशो आता है डेट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशो क्या होता है, इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाई द लोड, इट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इनपुट ऑफ अ मशीन क्या है, वर्क डन ऑन द मशीन इज नोन एज इनपुट ऑफ अ मशीन, डेट इज पी इंटू वाई। अब पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफर्ट रिक्वायर्ड, एंड वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट। आउटपुट ऑफ अ मशीन क्या है, एक्चुअल वर्क डन बाई द मशीन, एक्चुअली मशीन ने काम कितना किया, डेट इज नोन एज आउटपुट ऑफ अ मशीन। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू इंटू एक्स। अब डब्ल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट लिफ्टेड, और एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाई द लोड। एफिशिएंसी ऑफ मशीन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई नीटा, इट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इसको हम हमेशा परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं। आइडियल मशीन हम किस मशीन को कहते हैं, जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो मशीन हैज़ एफिशिएंसी अप टू 100%। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। नीटा इज इक्वल टू, अब आउटपुट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया किसके बराबर था, डब्ल्यू इंटू एक्स, और इनपुट किसके बराबर था, पी इंटू वाई। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, इट सिंपली इट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, एक तो सिंपल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसको हम सिंपली ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एंड कीप.